खबर से, जहां रायपुर में एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का आमरण अनशन जारी है, जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। दरअसल तूता धरना स्थल पर पूरी रात ये अनशन जारी रहा और सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी धरना स्थल पर जुटे हुए हैं। ये सभी एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं और ये भर्ती एसआई भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम की मांग कर रहे हैं। सितंबर 2018 में फॉर्म्स भरे गए थे और अभ्यर्थी सभी नेताओं और अफसरों से गुहार लगा चुके हैं। अब लगातार इनकी मांग है कि भर्ती की परीक्षा का परिणाम तो कम से कम जारी किया जाए। और आपको बता दें कि सैकड़ों अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तूता धरना स्थल पर पूरी रात ये अनशन जारी रहा, सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी धरना स्थल पर जुटे रहे। ये सभी एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं और ये अभ्यर्थी एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किए जाने की मांग कर रहे हैं। सितंबर 2018 में ये फॉर्म भरे गए थे। अभ्यर्थी सभी नेताओं और अफसरों से गुहार लगा चुके हैं। सितंबर 2018 में फॉर्म भरे गए थे और अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। इस बात को लेकर अब प्रदर्शन की राह पकड़ी है अभ्यर्थियों ने, जो रात भर प्रदर्शन करते रहे अपनी मांग को लेकर एसआई भर्ती परीक्षा के लिए। तनु वर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई, हम बात करेंगे उनसे। तनु, अभी प्रदर्शनरत अभ्यर्थियों की क्या मांगे हैं और अभी क्या स्थिति है, कोई संभावना बीच का रास्ता निकलने की? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में 6 साल पहले 2018 में एसआई भर्ती जो है वो निकाली गई थी, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है, और जिसके चलते अब जो एसआई भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो सड़क पर उतर आए हैं। और हाल ही में इनके द्वारा परसों जो है पुलिस मुख्यालय का घेराव किया गया था, जिसके बाद कल दिन भर से एसआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो तूता धरना स्थल पर न्यू रायपुर के आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सुबह से ही अभ्यर्थी जो है यहाँ पर वो प्रदर्शन का दौर जो है उनका चालू हो चुका है। कुछ अभ्यर्थी भी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सभी मंत्रियों से, अधिकारियों से आप लोगों ने मुलाकात की है, क्या आश्वासन निकला, कुछ निष्कर्ष निकला? आश्वासन तो बस मिल रहे हैं मैम कि देंगे, 15 दिन में देंगे, 10 दिन में देंगे, लेकिन कोई तारीख भी नहीं मिल रहे हैं। और हम लोग को तारीख चाहिए, वो भी नोटिफिकेशन एकदम प्रॉपर वेबसाइट पे कि इस डेट पे हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, इस डेट पे आपका ज्वाइनिंग लेंगे, ऐसे करके तभी यहाँ से हटेंगे। मैम हम लोग बहुत परेशान है, बहुत हताश है। जब भी हम लोग घर जाते हैं तो बस यही उम्मीद रहता है कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। हमेशा हम लोग वेबसाइट खोल खोल के देखते रहते हैं कि अब आएगा, अब आएगा। इतने दिन से न्यायालय में फंसी थी हम लोग का केस, है ना, तब हम लोग डेली, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है, मैसेज में हम लोग ग्रुप में है लगभग 1000 के आसपास, हम लोग ऐसा कोई भी मैसेज नहीं रहता जिसको पढ़ते नहीं है। हर मैसेज को एक एक लाइन को पढ़ते हैं कि क्या डिसीजन आ रहा है, क्या डिसीजन आ रहा है। यदि 1 मिनट या आधा घंटा भी जो मैसेज नहीं आता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई क्या हो गया, मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। इतने परेशान है मैम हम लोग तो। ये बस सरकार से हम लोग को रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जो हम लोग का मेहनत, जो हम लोग मेहनत किए हैं मैम, आपको पता नहीं होगा हम लोग फिजिकल के दौरान में धूप में नंगे पाँव में दौड़े हैं मैम, छाला आ गया पैर में, अभी भी फोटो रखा हूँ मैं, इसलिए रखा हूँ ताकि मैं बनूँ, एक दिन वर्दी पहनूँ और बताऊँ सबको कि मैं इतना मेहनत किया था मैम। 15 हम लोग 30-35 लोग फिजिकल में दौड़ते थे एक टाइम में, मात्र 10 लोग 5 लोग पास होते थे मैम। उसमें भी किसी को उल्टी आ रहा है, किसी को क्या आ रहा है, कोई पसीना आ रहा है, कोई बेहोश हो रहा है। इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोग को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। 1 साल से लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लगातार लड़के लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, लड़कियां आगे बैठ रही इतना दूर दूर से। मैं 6 साल बहुत लंबा समय होता है, क्या लगता है आपको कहाँ पेच फंसा है? पेज तो पता नहीं चल रहा है मैडम, बस मंत्री और अधिकारी बोल रहे हैं कि डेट ऊपर डेट दे रहे हैं, बस अब हम लोग की एक ही मांग है कि रिजल्ट जारी हो। हाई कोर्ट ने आप लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया है, लेकिन उसके बाद भी इतनी लेट लतीफी हो रही है, क्या उम्मीद आ गया? वही तो समझ नहीं आ रहा, अब तक कोर्ट में एक मामला फंसा हुआ था, हमको उम्मीद था कि कोर्ट से ऑर्डर आएगा तो गवर्नमेंट जो हमारा रिजल्ट देगी, और जब कोर्ट में कोई केस ही पेंडिंग नहीं ना, वो रिजल्ट में रिश्ते भी नहीं है मैम, उसके बाद भी रिजल्ट पता नहीं क्यों रुका जा रहा है। हमारी बस इतनी सी मांग है कि हमारा रिजल्ट दे और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे मैम, और ये हमारा अंतिम लड़ाई है, मतलब हाथ पर जोड़ लिए, सब कर लिए, और ये मैम हमारा अंतिम लड़ाई है। इसके बाद हमको बस रिजल्ट चाहिए, तब यहाँ से जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे मैम। अलग अलग तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट करते आए हैं, अगर आगे भी आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो क्या रणनीति रहेगी? ये कंटिन्यू रखेंगे मैम, अगर हमारी मांग पूरा नहीं होता है तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं। या तो रिजल्ट मिलेगा
तो देखिए कल दिन भर से अभ्यर्थी जो हैं तूता धरना स्थल पर जुटे हुए हैं, उनका प्रोटेस्ट लगातार जारी है। करीब 8 अभ्यर्थी जो हैं आमरण अनशन पर अभी बैठे हुए हैं, जिसके बाद इनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ेगी। और इन सभी की मांग है कि जल्द से जल्द एसआई भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट जो है वो जारी कर दी जाए, और जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगी ये इनका जो हड़ताल है वो अनवरत जारी रहेगा, और आगे अगर इनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो ये उग्र आंदोलन भी जो है वो कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तनु आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रायपुर में पार्किंग के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है। दरअसल श्रीराम सब्जी मंडी थोक बाजार को जारी किया गया एक नोटिस वर्धमान नगर के निवासियों से के प्रदर्शन के बाद निगम का एक्शन है। रायपुर नगर निगम ने नोटिस भेज दिया है, पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए नोटिस भेजा गया है। टिकरा पारा और राजेंद्र नगर थाने को भी पत्र लिखा गया है, ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल तैनात करने के लिए पत्र लिखा गया है। तो नोटिस जारी कर दिया गया सब्जी मंडी बाजार को और लोगों का प्रदर्शन, पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के लिए नोटिस भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस नोटिस का क्या जवाब आएगा यह भी देखने का विषय होगा। दरअसल पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित हो और यातायात नियमों का पालन हो, इसके लिए नोटिस भेजा गया। टिकरा पारा और राजेंद्र नगर थाने को भी पत्र लिखा गया है और ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल तैनात किए जाने के लिए पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर बना हुआ है पार्किंग को लेकर। प्रशासन के द्वारा श्रीराम सब्जी मंडी थोक बाजार को नोटिस जारी किया गया वर्धमान नगर के निवासियों के प्रदर्शन के बाद निगम ने एक्शन लिया है, और इस प्रदर्शन में मांग उनकी यही थी कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है, ऐसे में पार्किंग व्यवस्था भला कैसे दुरुस्त होगी। बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु वर्मा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तनु, पार्किंग की ये समस्या इस तरह की अपनी तरह की एक समस्या नजर आ रही है, क्योंकि पार्किंग को लेकर इतनी अव्यवस्था है कि लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है यहाँ। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है राजधानी रायपुर के डूमरतराई मंडी के पास का है, जहां पर मंडी होने की वजह से लगातार मंडी के लोगों के द्वारा जो है सड़कों पर सड़ी गली सब्जियां जो है वो फेंक दी जाती थी। इसके साथ ही लगातार मंडी में गाड़ियों के आने जाने से पार्किंग की व्यवस्था भी वहां पर जो है मंडी के अंदर नहीं हो पाती थी। इसके साथ ही जाम वाली स्थिति भी जो है वो लगातार बनी रहती थी, जिसके चलते कुछ दिन पहले ही वर्धमान नगर के रहवासियों के द्वारा वहां पर प्रोटेस्ट किया गया था, और उनकी मांग थी कि पार्किंग व्यवस्था यहां पर सुनिश्चित की जाए, जिसके बाद आज रायपुर नगर निगम के जोन ऑफिस के द्वारा जो है नोटिस भेजा गया है। और इस नोटिस में पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो है वो निर्देश दिए गए हैं, साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू करने का निर्देश यहां पर जारी किया गया है। इसके साथ ही मंडी को लेकर जिस तरह की अव्यवस्थाएं बाहर फैली थी उसे भी सुधारने के लिए जो है नोटिस भेजा गया है। साथ ही राजेंद्र नगर थाने में भी एक पत्र जो है वो लिखा गया है। तो तमाम तरह की अव्यवस्थाएं मंडी होने की वजह से वहां पर व्याप्त थी, इसके साथ ही मुख्य मार्ग को जोड़ते हुए तमाम तरह की जो अव्यवस्थाएं वहां पर फैली उसको सुनिश्चित करने के निर्देश जो है दिए गए हैं। तो इससे पहले भी रहवासियों के द्वारा कई बार जो है इसको लेकर नोटिस भेजा जा चुका है, कई बार उन्होंने अपनी बात लोगों के पास रखी, मंडी में जो व्यापारी हैं उनसे उन्होंने बात करने का प्रयास किया था, लेकिन उनके द्वारा किसी की कोई भी व्यापारी जो है या किसी के भी द्वारा उनकी बातों को नहीं सुना गया था, जिसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद आज रायपुर नगर निगम की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है। बाकी ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस नोटिस का पालन जो है वो कब तक हो पाता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए तनु। और अंबिकापुर में सिलसिला मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना प्लांट हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, ठेकेदार और जनरल मैनेजर सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। बंकर गिरने से प्लांट में 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। दरअसल बंकर में क्षमता से अधिक लोडिंग को हादसे का कारण माना जा रहा है। ठेकेदार विपिन मिश्रा, जीएम राजकुमार सिंह, सुपरवाइजर रंजीत चौधरी, प्रोडक्शन मैनेजर तेज मलानी, ब्रायलर इंजीनियर बीके मिश्रा और राकेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर जांच टीम ने एफआईआर दर्ज करवाई है। और ऐसे में ठेकेदार और जनरल मैनेजर पर 6 लोगों पर कुल मिलाकर एफआईआर अब हो चुकी है। देखना यह होगा कि अब क्या कार्रवाई यहां पर की जाती है। क्षमता से ज्यादा लोडिंग का आरोप है और बंकर गिरने की वजह से 4 मजदूर इसमें दब गए थे जिनकी जान चली गई, और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर
कार्रवाई करते हुए ठेकेदार, जनरल मैनेजर समेत कुल 6 लोगों पर FIR दर्ज की गई। क्षमता से अधिक लोडिंग हादसे की वजह माना जा रहा है। बंकर गिरने की वजह से ये हादसा हुआ था। अंबिकापुर में 4 मजदूरों की मौत का ये पूरा मामला सीएम साय के निर्देश पर जांच की जा रही है। और श्रवण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। श्रवण, कुल 6 लोगों पर FIR दर्ज हुई है जिसमें ठेकेदार और जनरल मैनेजर भी शामिल है। लोगों के ऊपर FIR दर्ज की है क्योंकि जो उदरगढ़ी एलुमिना पावर प्लांट में हादसा हुआ था 8 अगस्त को, और जिसके बाद से 3-4 मजदूरों की मौत हो गई थी, और जिसके बाद से ही ये मामला जो है सीएम साहब के पास पहुंचा था और उन्होंने जिला प्रशासन को जांच के निर्देश दिए गए थे। और जिला प्रशासन की 5 सदस्यीय टीम खुद प्लांट में पहुंची थी और जांच की। उसमें गंभीर मामला ये समझ में आया कि वहां पर जो बंकर गिरा था जिसमें मजदूरों की मौत हुई थी, वो जो है उसमें क्षमता से अधिक जो है उसमें डाला गया था मात्रा, जिसकी वजह से टूटा था ये पाया गया। और जिसके बाद से 6 जो कंपनी के लोग थे जिसमें जो ठेकेदार हैं और इसके साथ ही उसमें काम करने वाले जो अधिकारी थे, जिसमें कह सकते हैं ठेकेदार, बंकर मैनेजर और वहाँ के जो सुरक्षा के जो मजदूर के लिए जिम्मेदार अधिकारी थे, उनके ऊपर कुछ 6 लोगों के ऊपर वहाँ FIR दर्ज किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रवण। और जांजगीर चांपा में एक खबर का बड़ा असर देखने को मिला जहां सूदखोरी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। हाल ही में सूदखोरों से प्रताड़ित होकर 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। आरोपियों ने 5 लाख के उधार के बदले 10 लाख के 2 चेक लिए। आरोपियों ने 50,000 ऑनलाइन भी लिए। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और चेक जब्त कर लिए हैं। और कैलाश कश्यप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश, न्यूज 18 ने इस खबर को पहले दिखाया था और उसके बाद बड़ा असर यहां पर दिखाई दे रहा है। अब 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? और जी कहीं ना कहीं जिले में सूदखोरी का मामला बड़ा परेशान करने वाली बात है। अब तक के कई मौतें हो चुकी हैं प्रताड़ना से, लेकिन मामला जो है जब 4 लोगों ने एक ही परिवार की आत्महत्या किया तो उसको प्रमुखता से न्यूज 18 ने उठाया था। और मामला को जब तूल पकड़ते हुए कई लोगों ने जिस समाचार के उठने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं जो भय था सूदखोरों का उसके खिलाफ इन लोगों ने बिगुल बजा दिया। और अभी प्रताड़ित एक व्यक्ति ने जो है पुलिस में कंप्लेन कराया और लगातार उन पर जांच के बाद जो है बाउंस चेक सहित कई दस्तावेज बरामद किए। साथ में फोन पे और अन्य मोबाइल में जो धमकी दिया गया है उसको बरामद कर कार्रवाई की गई है। 3 आरोपी को अभी जेल भेजा गया है और जिले में इस तरह की लगातार कार्रवाई होती रहेगी, ये कहना है जो सिटी कोतवाली प्रभारी प्रवीण द्विवेदी है। और लगातार सूदखोरों के मामले पे चरणदास महान नेता प्रतिपक्ष विधानसभा जो वो भी सरकार से मांग की है कि सूदखोरों की प्रताड़ना, लेकिन खुलकर किसी का नाम सामने नहीं आया था। अभी जब आरोपी ने को इस तरह से हिरासत में लेने के बाद सूदखोरों में हड़कंप मच गया है। साथ ही इस तरह की कार्रवाई लगातार होते रहने की पुलिस के साथ साथ प्रशासन भी आश्वस्त कर रहे हैं लोगों को कि इस तरह की अपील भी की जा रही है कि कोई सूदखोरों से प्रताड़ित हो रहे हैं वो तत्काल पुलिस से कंप्लेन कराए जिससे वो प्रताड़ना से बच सके और इस तरह की आत्मघाती हमला जो कर रहे हैं लोग उससे बचा जा सके और लोग अपनी जान गंवाने से समय पर बच जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ जहां मिड डे मील में छिपकली गिरने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। महिला स्व सहायता समूह के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए हैं। लापरवाही पर प्रधान पाठक संतोष जगत को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने दोषियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। प्राथमिक स्कूल पीपल खूंटा का यह पूरा मामला है। दरअसल खाना खाने के बाद बच्चे बीमार हो गए थे और 4 सितंबर की यह पूरी घटना है। और बिलासपुर में भीषण सड़क हादसे का एक मामला सामने आया। दरअसल ट्रक और ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। हादसे में ट्रक के परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर के केबिन में दबकर मौत हो गई। हिर्री थाना क्षेत्र के पेंड्री डीह बाईपास पर यह हादसा हुआ।
जशपुर में गणेश विसर्जन के दौरान एक हादसा हो गया। एक ग्रामीण विसर्जन के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर जा रहा था और इस दौरान वो ट्रैक्टर के नीचे गिरकर पहिए के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये तुमला थाना के बाबू साजबहार के पास घटना घटित हुई और जब विसर्जन के लिए लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर जा रहे थे उसी दौरान यह हादसा हुआ। तुमला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, गणेश विसर्जन के लिए ट्रैक्टर पर शख्स जा रहा था और ट्रैक्टर से संतुलन बिगड़ने की वजह से वो नीचे गिरा और ट्रैक्टर की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। और बलरामपुर में भीषण सड़क हादसे में दो कारों में जोरदार टक्कर हुई है और दोनों कार सवार गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। अंबिकापुर बनारस मार्ग पर खरहरा नदी के पास ये हादसा हुआ और दोनों कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। और ये देखिए ये किस तरह की स्थिति उस वक्त वहां बनी जब कार सवार दोनों घायल हुए। बलरामपुर में ये हादसा हुआ, दो कारों की भिड़ंत हो गई और दो कारों की टक्कर में दोनों ही कार सवारों को चोट भी आई है और आमने सामने की इस टक्कर में देखिए किस तरह से ये पूरी दुर्घटना हुई। और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक बार फिर संवेदनशीलता का परिचय दिया और मंत्री विजय शर्मा कवर्धा से अहिरवारा जा रहे थे, उन्होंने सड़क हादसे में घायलों की मदद की। उन्होंने अपना काफिला रोककर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और साथ ही डॉक्टर्स को घायलों का उचित इलाज करने के निर्देश दिए। और बलरामपुर में अवैध क्लिनिक पर एक्शन लिया गया। अवैध रूप से संचालित दो क्लिनिक्स को प्रशासन ने सील कर दिया। डीएमओ और तहसीलदार की टीम ने यह संयुक्त कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग को अवैध क्लिनिक की शिकायत मिली थी। रामानुजगंज विकासखंड के महावीरगंज में यह कार्रवाई की गई है। अवैध क्लिनिक चलाए जा रहे थे और इस पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। लैब में कुछ क्लिनिक करने का कुछ सामान पाया गया था तो उसको सील किया गया है। कितने मेडिकल स्टोर को क्लिनिक को सील किया? और दो किया गया। क्या क्या खामियां पाई गई थी? इसमें लाइसेंस नहीं था और पैथोलैब के साथ वो क्लिनिक चला रहे थे तो सील किया गया बगैर लाइसेंस का। कहाँ कहाँ पे? आज महावीरगंज और आपका बिंदे में। और पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में मौसम ने ऐसी करवट बदली कि कई जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए। एक ऐसी ही तस्वीर राजनांद गांव के हल्दी गांव से आई जहां पर गांव में पानी घुस जाने से लोग अब मुसीबत में पड़ गए हैं और हालात इतने खराब हो चले हैं कि निचली बस्ती में बाढ़ का असर अब दिखने लगा है। कई जगह घुटनों तक पानी है तो कई जगह सड़कों पर गाड़ियां ही डूब गई हैं। शिवनाथ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और दुर्ग में बाढ़ में 11 ग्रामीण फंस गए जिसमें एसटीआरएफ की टीम ने ग्रामीणों का रेस्क्यू किया। शिवनाथ नदी के पास ईंट भट्टा में मजदूर काम करते थे और भारी बारिश के बाद नदी में उफान आ जाने से बाढ़ आ गई। सभी को सुरक्षित स्थान पर रेस्क्यू कर भेज दिया गया है और एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों की मदद के लिए यहां मौके पर जुटी हुई थी। तो वहीं गरियाबंद में भी भारी बारिश की वजह से घरों में पानी घुस गया। राजिम के वार्ड नंबर 6 में घरों के अंदर पानी घुस गया और ऐसे में अब लोग परेशान हैं, सामान खराब हो रहा है और वार्ड वासियों का यह भी कहना है कि अवैध प्लॉटिंग होने की वजह से तालाब का पानी घरों में घुस रहा है। हर साल बरसात में इस तरह की अव्यवस्था बनती है। नगर पंचायत और उच्च अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे।
और धमतरी में बाढ़ से महानदी पूरी तरह से उफान पर है। महानदी में बाढ़ आ जाने से चरवाहा और कुछ जानवर वहां फंस गए। आपको बता दें कि 6 जानवर और 2 चरवाहे बाढ़ में फंस गए थे। हालांकि सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बहाव कम होने के बाद सभी को बाहर निकाला गया। बीजापुर में भी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कलेक्टर, एसपी और डीआईजी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने टीम को लगातार निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए हैं। लोगों से बाढ़ के दौरान जोखिम न लेने की अपील की और अधिकारियों ने भोपाल पट्टनम ब्लॉक के रामपुरम तिमेड़ में इंद्रावती नदी सहित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। लोगों से आपात स्थिति में बाढ़ और आपदा के लिए बने कंट्रोल रूम के संपर्क में रहने की अपील की है। चलिए बढ़ते आगे, रुख करेंगे बस्तर से आ रही अहम खबर का, जहां लगातार बारिश के चलते नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। पर्यटकों के लिए तिरथगढ़ जलप्रपात फिर से बंद कर दिया गया है और तेज बारिश की वजह से यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि तेज बारिश से मुनगा नाला पूरी तरह से उफान पर है। तिरथगढ़ वाटरफॉल अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रहा है। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने इस सीजन में दूसरी बार तिरथगढ़ जलप्रपात का गेट बंद कर दिया है। और शेख इमरान और दिनेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, अगर आपके पास आए और आप, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, इस बारे में क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? राजिम के वार्ड क्रमांक 6 में घरों में पानी घुस गया है और लगातार बारिश होने की वजह से पानी घुसा हुआ है। वार्डवासियों का कहना है कि जो पीछे तालाब है उनके आगे जो है अवैध प्लाटिंग कर दी गई है, जिसकी वजह से पानी निकलने का रास्ता जाम हो गया है और यही वजह है कि पानी जो है घरों के अंदर घुस रहा है। लोगों का जो घर में पानी घुसने की वजह से वो रह नहीं पा रहे हैं, काफी ज्यादा सामान भीग गए हैं। 7 से अधिक घरों में पानी घुसा हुआ है और वार्डवासियों ने लगातार नगर पंचायत और उच्च अधिकारियों की इसकी शिकायत भी की है, लेकिन उनकी शुद्ध तक नहीं ली गई है और कई सालों से समस्या बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि लोग अपने नीचे घरों में को खाली कर दिया है और दूसरे जगह पर रह रहे हैं और लोगों का कहना है कि अवैध प्लाटिंग की वजह से जो पानी आया हुए है और शिकायत करने के बाद भी कोई ध्यान इसमें नहीं दे रहा, कोई सुध नहीं ले रहा है और हर साल उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पानी की वजह से पानी में जहरीले सांप और बिच्छू पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे और लोगों को मुसीबत उठाना पड़ता है, जान जोखिम में डालना पड़ जाता है। डर के साए में लोग रह रहे हैं, उनका सामान इधर से उधर हो चुका है, कई सामान तो पानी में ही तैर रहे हैं और ये घरों में लगातार पानी घुसने की वजह से लोग परेशान हैं और लोग जो है प्रशासन से गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। वो कई उच्च अधिकारियों तक शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन बारिश अभी रुकी हुई है, फिर भी हालात जो है ये है कि तालाब में जो पानी है वो सीधा अब घर में घुस रहा है और इसके वजह से घर के जो तमाम कमरे हैं वहां पानी घुसा हुआ है। जी बिल्कुल, और क्या हालात हैं बीजापुर में ये जानने के लिए चलेंगे दिनेश गुप्ता के पास, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, लगातार बारिश हो रही है, आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। जी हाँ, मैं बता दूं कि जो पिछले दिनों लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई लोग तो घर से नहीं निकल पा रहे हैं तो कई लोगों के घर में ही पानी घुस गया है, ऐसा माजरा बीजापुर में देखने को मिला है। बीजापुर के भैरमगढ़ में लगातार इंद्रावती का जल स्तर बढ़ने से 15 से 20 घरों में पानी भी घुस गया था पिछले दिनों, उसका मुआवजा भी आज तक नहीं मिला, जिसको लेके लोगों में काफी आक्रोश है और जगह जगह बाढ़ की वजह से जो प्रशासन वो भी अलर्ट है। कलेक्टर, एसपी और डीआईजी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, जहां पर भोपालपट्टनम के रामपुरम, तीमेड़ जैसे जो इंद्रावती नदी का जहां रौद्र रूप देखा जाता है, ऐसे क्षेत्रों का उन्होंने जायजा लिया और पूरे टीम को जो राहत कार्य की टीम है उनको निर्देशित भी किया कि अलर्ट रहें और लोगों से भी अपील की कि बाढ़ जैसे क्षेत्रों में ना जाएं और अपने जान की स्वयं रक्षा करें। और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है जो बारिश का कर, बिल्कुल हालातों से अभी कुछ और दिन इसी तरह से जूझना पड़ेगा यहाँ के लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा।